हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्शाला में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, फिर माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस को। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम्स, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री एंड कंट्रोल वॉल्यूम्स। इसके बाद पढ़ेंगे कि कितने टाइप के हमारे सिस्टम्स होते हैं, एंड आफ्टर दैट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, फिर होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस सिस्टम्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से। सो बेसिकली दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन प्रॉपर्टीज। मतलब इसमें हम एनर्जी ट्रांसफर की साइंस को स्टडी करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर को स्टडी करते हैं और इसके इफेक्ट्स को पता करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट्स ऑन प्रॉपर्टीज, कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे प्रॉपर्टीज पर। सिंपल इसका डेफिनेशन होता है कि इट इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन प्रॉपर्टीज। तो इसका हमारा बेसिक एम क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने का? बेसिक एम बस यही होता है कि जो हमारी एनर्जी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, जो हमारी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, उसे हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यूटिलाइज कर सकें। डिस्टॉर्टेड एनर्जी को हमें यूज करना होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। सो बहुत सिंपल सा एम होता है इसका। तो ये होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। अब दोस्तों बात करते हैं सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स की। सो सिस्टम क्या होता है? इट इज द स्पेस ऑन विच वी डिड थर्मोडायनेमिक स्टडी। मतलब कि ये एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक स्टडीज़ को स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उसे सिस्टम कहते हैं। तो हमारा जो पूरा फोकस होता है इस सिस्टम पर होता है। इसके बाद आता है बाउंड्री। तो इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए इसके चारों तरफ हम एक बाउंड्री बनाते हैं, जिससे कि इसकी डिफाइन होता है कि सिस्टम हमारा कितना बड़ा है। तो सबसे पहले आता है सिस्टम, जिसमें हम कंसिडरेशन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ का। आफ्टर दैट आता है उसकी बाउंड्री। बाउंड्री के बाद जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है सिस्टम का, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। सो तीन चीज़ें होती हैं, सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। तो जो सिस्टम होता है, इट इज़ द स्पेस इन विच वी हैव टू टेक कंसिडरेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक चेंजेस। इसके बाद आता है सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं हम, और आफ्टर दैट अपार्ट फ्रॉम सिस्टम एंड बाउंड्री जो स्पेस बचता है वो हमारा सराउंडिंग कहलाता है। तो सराउंडिंग शुड बी द सिस्टम प्लस बाउंड्री। इसके बाद आता है कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिन्हें हम डिफाइन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक वाटर टैंक है, यहाँ पर यहाँ से वाटर आ रहा है और यहाँ से वाटर जा रहा है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अगर हमें इसमें थर्मोडायनेमिक चेंजेस पता लगाने हैं, तो हम, क्योंकि वाटर लगातार बह रहा है, तो हम उस वाटर को कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर है वो मोशन में है और लगातार आ रहा है, जा रहा है, इधर से वो आ रहा है, इधर लगातार जा रहा है। तो इसे वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम एक कंट्रोल वॉल्यूम ड्रॉ करेंगे। तो कंट्रोल वॉल्यूम वो स्पेस होता है जहाँ पर हम फ्लो सिस्टम में कंसिडरेशंस करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ का। सो ये होता है हमारा दोस्तों कंट्रोल वॉल्यूम। इसके बाद हम आते हैं सिस्टम्स, इंट्रोडक्शंस, कंट्रोल वॉल्यूम, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पे।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा होता है ओपन सिस्टम, तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम दोस्तों क्या होता है, इसमें हम हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, हीट ट्रांसफर कर सकते हैं बट मास ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब इट इज़ द टाइप ऑफ सिस्टम, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमने गर्म पानी एक सिलिंड्रिकल बॉक्स में रखा हुआ है जिसमें ऊपर से हमने ढक्कन लगाया हुआ है, ये हमारा इसका कैप है जो सील्ड है एकदम, और ये हमारा इसमें वाटर रखा हुआ है हॉट वाटर। तो इस केस में क्या होगा, इट इज़ अ क्लोज सिस्टम क्योंकि इसमें हॉट वाटर का जो हॉटनेस है, जो उसकी हीट है, वो तो एनवायरनमेंट में जा रही होगी, यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रहा है, बट जो वाटर है, जो मास है, वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो नो मास एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस इन दिस केस। सो क्लोज सिस्टम में हीट ट्रांसफर होता है बट मास ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन अगर हम एक और सिस्टम कंसिडर करें, ओपन सिस्टम, तो इसमें थोड़ा इससे अलग होता है। इस केस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों ही होता है, हीट ट्रांसफर भी होता है मास ट्रांसफर भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, ये मैंने एक बर्तन रखा हुआ है और ये ओपन है, इसमें मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, ये मैंने गैस जलाई हुई है, तो यहाँ पर मैं हीट दे रहा हूँ और यहाँ से वेपर्स बाहर आ रहे हैं। सो इस केस में क्या हो रहा है, वेपर्स जो कि मास जो कि वेपर्स की फॉर्म में है, वो भी चेंज हो रहा है, वो भी एक्सचेंज हो रहे हैं सराउंडिंग के साथ, और हीट वो भी एक्सचेंज हो रही है सिस्टम के साथ। सो क्लोज सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। बट इन केस ऑफ ओपन सिस्टम, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सिर्फ हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों ही होता है। इसके बाद हम थर्ड सिस्टम की बात करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम दोस्तों होता है जिसमें नो हीट ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर। अगर हम एक आइडियल थर्मस फ्लास्क की बात करें तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। थर्मस फ्लास्क जो हमारे घरों में थर्मस होते हैं, अगर हम उसमें हॉट वाटर या हॉट चाय रखते हैं, तो वो अगर हम आइडियल मतलब वो एक बार हॉट रखने के बाद उसमें लगातार वो हॉट ही बनी रहे हमेशा के लिए, सो इट इज़ आइडियल थर्मस फ्लास्क। सो जो थर्मस फ्लास्क होते हैं उसमें ना तो हीट ट्रांसफ़र होता है एनवायरनमेंट के साथ, ना ही मास ट्रांसफ़र होता है। इसलिए जो थर्मस फ्लास्क होता है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ना तो उसमें कोई हीट ट्रांसफ़र होता है, ना ही उसमें कोई मास ट्रांसफ़र होता है। सो दोस्तों हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम भी कवर कर लिया। इसके बाद हम आते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पे। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। सो
दोस्तों प्रॉपर्टी क्या होते हैं, एक्चुअली में क्या होता है कि हर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कि उसकी स्टेट डिफाइन होती है, उन्हें ही हम प्रॉपर्टी कहते हैं। सो प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। प्रॉपर्टीज आर द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो हम कह सकते हैं कि सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी जरूरी है, प्रॉपर्टी से ही हम उसकी स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टेट को हमने प्रॉपर्टी से डिफाइन तो कर दिया, बट अगर प्रॉपर्टी में कोई चेंज होता है तो उससे उस सिस्टम की स्टेट में भी चेंज होता है, और इसे ही कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि साइज और मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड मास ऑफ सिस्टम। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो कि सिस्टम के साइज और मास पर डिपेंड नहीं करती? फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, और इसके अलावा दोस्तों हो सकता है हमारा विस्कोसिटी एक्सेट्रा। तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी जो सिस्टम है उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है, तो ना तो मास पर डिपेंड करती है ना ही साइज पर डिपेंड करती है। इसके जस्ट ऑपोजिट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मास पर भी डिपेंड करती हैं और उसके साइज पर भी डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल मास, मास भी एक प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक प्रॉपर्टी होती है, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो क्या पढ़ा हमने अभी, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये मास पर भी डिपेंड नहीं करती है और उसके साइज पर भी डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये उसके मास पर भी डिपेंड करती हैं और ये उसके सिस्टम के साइज पर भी डिपेंड करती हैं। सो इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, थर्मोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द प्रॉपर्टीज। तो एक्चुअली में हम जो एनर्जी ट्रांसफर को स्टडी करते हैं जब, तो उसे दो तरीके से स्टडी करते हैं, एक माइक्रोस्कोपिकली और एक मैक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, उस जो थर्मोडायनेमिक इफेक्ट्स हैं प्रॉपर्टीज पर उन्हें स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा ऑब्जर्व फोकस होता है वो ईच मॉलिक्यूल में क्या थर्मोडायनेमिक इफेक्ट पड़ रहा है उस पर होता है, बट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं सभी मॉलिक्यूल्स पर, इसमें हम एवरेज लेते हैं। सो ये होता है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसके बाद हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, इट कंटेन्स ओनली वन फेज, इसमें सिर्फ एक ही फेज होता है, थ्री डिफरेंट फेजेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्टीम प्लस
वाटर की। तो ये एक होमोजीनियस सिस्टम है। हेटरोजीनियस सिस्टम में मोर देन वन फेजेस होते हैं। सो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन परऑक्साइड और वाटर की, ये ऐसा कोई सिस्टम है तो ये एक हेटरोजीनियस सिस्टम होगा। सो दोस्तों, ये था आज का बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने कवर किया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच वी स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ हीट ट्रांसफर ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हमने स्टडी किया सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री और कंट्रोल वॉल्यूम क्या होते हैं। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक ऐसा स्पेस होता है स्पेस में जहाँ पर हम चेंजेस को कंसिडर करते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उस सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर बाउंड्री से। और अपार्ट फ्रॉम सिस्टम एंड बाउंड्री, स्पेस में जो रह जाता है वो हमारा सराउंडिंग होता है, जिसमें हम कोई भी कंसिडरेशन नहीं करते हैं, उसमें क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं रहता है। इसके बाद आते हैं कंट्रोल वॉल्यूम पे। तो मैंने बताया कि कई प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, जैसे फ्लो प्रोसेसेस होते हैं, जहां पर हम सिस्टम को बाउंड्री से डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सिस्टम वहां पर मूविंग होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसे वहां पर एक कंट्रोल वॉल्यूम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कंसिडरेशन पता करते हैं। इसके बाद मैंने बताया टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, तीन टाइप के सिस्टम्स होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में जैसा कि मैंने बताया, क्लोज सिस्टम में हीट ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता है। ओपन सिस्टम में हीट ट्रांसफर भी होता है, मास ट्रांसफर भी होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट ट्रांसफर होता है ना ही मास ट्रांसफर होता है। इसके बाद मैंने बताया कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो इसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि मास और साइज पर डिपेंड ना करें। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो कि मास पर भी डिपेंड ना हो और साइज पर भी डिपेंड ना हो। फॉर एग्जांपल, हमारा टेम्परेचर, हमारा प्रेशर, हमारी विस्कोसिटी, हमारा हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है जो मास और साइज पर डिपेंड करें। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, फॉर एग्जाम्पल मास एक्सेक्ट, और ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेज, कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेज जो होते हैं उसमें हम थर्मोडायनेमिक चेंजेस को मॉलिकुलर लेवल पर भी कंसिडर करते हैं, बट मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम उसे मॉलिकुलर लेवल पर कंसिडर नहीं करते हैं। और लास्ट में मैंने बताया होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस सिस्टम्स। तो एक होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसमें सिर्फ सिंगल फेज एग्जिस्ट करता है, और एक हेटरोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसमें मोर देन वन फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। सो आज का वीडियो यही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।